दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा फिल्म फानी 206 को शानदार जंप लिया है भाई। आउटस्टैंडिंग हमको हिंदी बेल्ट में कलेक्शन देखने को मिली और बहुत लंबे समय के बाद अक्षय कुमार की सरफिरा में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। दोस्तों आपके अच्छे रिव्यूज़ आपकी सपोर्ट अक्षय कुमार की सरफिरा फिल्म को आगे लेके जा रही है। आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती हमको नजर आ रही है। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अक्षय कुमार की सरफिरा बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आपको किसी फिल्म के अंदर कॉन्टेंट देखना है दोस्तों, भैया हमें प्रमोशन के लिए कोई रुपया नहीं देता है, लेकिन जो फिल्म अच्छी है हम उसको प्रमोट करते हैं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है पूरी फैमिली के साथ इस फिल्म को जाके देखिए, पैसा वसूल फिल्म है। आप इस फिल्म को देखने के बाद अक्षय कुमार के डायन फैंस बन जाओगे। हाँ यू मैं मानते हैं भैया अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज बुरी आई हैं, डिजास्टर फ्लो मूवीज साबित हुई हैं, लेकिन दोस्तों जो अच्छी मूवीज होती हैं उनको अच्छा नाम दिया जाता है, उनको बुरी मूवीज नहीं कहा जाता। अक्षय कुमार की एक लंबे समय में हमको अच्छी एक्टिंग देखने को मिली है। आप लोग सिनेमा हॉल में मूवी देखते समय इमोशनल हो जाओगे। ये फिल्म डिजर्व करती बॉक्स पे सुपर डुपर हिट बने, लेकिन दोस्तों पब्लिक इस फिल्म को बहुत ही कम देखने जा रही है, इसी वजह से इस फिल्म का कलेक्शन डे बाय डे गिरता जा रहा है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हमको छठवें दिन के कलेक्शन में डबल जंप देखने को मिला है। वहीं पर अगर बात करें सुपरस्टार प्रभास की, कल की फिल्म ने आज अच्छा जंप लिया था, लेकिन सरफिरा भी कलेक्शन काफ़ी अच्छे हमको हिंदी बेल्ट में करती हुई नजर आई है। बात करेंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा फिल्म ने छठवें दिन इंडियन बॉक्स पे वर्ल्ड बॉक्स पे कितनी कमाई की है। सरफिरा सातवें दिन की एडवांस बुकिंग, सरफिरा सातवें दिन कितनी कमाई करेगी? पहले दिन से लेकर सात दिनों के अंदर सरफिरा ने हिंदी बेल्ट में कितनी कमाई की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में ओवरसीज एंड वर्ल्ड बॉक्स पे कितनी कमाई की है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो बस आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती, इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेगा। दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी का बजट है 80 करोड़ का, जिसने पहले दिन हिंदी बेल्ट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई करके इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई करके मार्केट में 1 करोड़ 85 लाख रुपए का धंधा करके दुनिया भर के बॉक्स पे 5 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई की थी। सरफिरा डे टू को हिंदी बेल्ट में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 6 करोड़ का धंधा करके ओवरसीज मार्केट में पूरे 2 करोड़ की कमाई करके सरफिरा डे टू को वर्ल्ड बॉक्स पे 8 करोड़ की कमाई करने में सफल हो पाई थी। सरफिरा डे थ्री को हिंदी बेल्ट में 6 करोड़ की कमाई की, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में पूरे 8 करोड़ की, ओवरसीज मार्केट में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की, और सरफिरा डे थ्री को यानी पहले संडे को 9 करोड़ 40 लाख रुपए का दुनिया भर के बॉक्स पे रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर पाई थी। सरफिरा डे फोर को मंडे को लंबा ड्रॉप डाउन लिया, 1 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन बहुत ही कम कलेक्शन था, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई करके ओवरसीज मार्केट में 1 करोड़ का धंधा करके सरफिरा डे फोर को दुनिया भर के बॉक्स पे 3 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई करने में सफल हो पाई थी। दोस्तों सरफिरा डे फाइव को हिंदी बेल्ट में थोड़ा सा जंप लिया, 1 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई करके इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 2 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की, ओवरसीज मार्केट में 80 लाख रुपए की कमाई करके दोस्तों फाइनली जो है सरफिरा डे फाइव को दुनिया भर के बॉक्स पे 3 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल हो पाई थी। लेकिन दोस्तों सरफिरा डे सिक्स को शानदार जंप लिया है, हिंदी बेल्ट में हमको डबल जंप देखने को मिला। सरफिरा दोस्तों डे सिक्स को हिंदी बेल्ट में पूरे 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई करके इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 4 करोड़ 20 लाख रुपए का रिकॉर्ड धंधा कर पाई है। सरफिरा डे सिक्स को ओवरसीज मार्केट में 70 लाख रुपए की कमाई करके अक्षय कुमार की सरफिरा डे सिक्स को दुनिया भर के बॉक्स पे 4 करोड़ 90 लाख रुपए की शानदार कमाई करने में सफल हो पाई थी। लगभग 5 करोड़ का आंकड़ा टच हो चुका था। डे सिक्स को सरफिरा दुनिया भर के बॉक्स पे 4 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई की और हिंदी बेल्ट में 3 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की। अगर बात करें तो सरफिरा के डे सेवन की एडवांस बुकिंग 35 लाख रुपए की है। दोस्तों सरफिरा डे सेवन को हिंदी बेल्ट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई करेगी, इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 3 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई करेगी, जबकि सरफिरा डे सेवन को ओवरसीज मार्केट में 50 लाख रुपए की कमाई करके सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा डे सेवन को वर्ल्ड बॉक्स पे 4 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई करेगी। सरफिरा ने पहले दिन हिंदी बेल्ट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की, वहीं पर सरफिरा डे सेवन को हिंदी बेल्ट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई करेगी। दोस्तों ये सरफिरा मूवी की डे सेवन की बॉक्स कलेक्शन प्रोडक्शन रिपोर्ट है। मुझे पता अभी डे सेवन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जैसे इस फिल्म का डे सेवन कंप्लीट होगा जब रात 12 बजे रिपोर्ट आएगी, 5-10 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन दोस्तों सरफिरा डे सेवन को इतनी ही कमाई करेगी, क्योंकि एडवांस बुकिंग से पता चल जाता है कौन सी फिल्म किस दिन कितना धंधा करेगी। अब बात कर लेते हैं सरफिरा मूवी के टोटल कलेक्शन के बारे में। सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी ने 7 दिनों के अंदर हिंदी बेल्ट में 23 करोड़ 90 लाख रुपए की कमाई कर ली है। 7 दिनों के अंदर इंडिया ग्रॉस कलेक्शन में 28 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की है। सरफिरा 7 दिनों के अंदर ओवरसीज मार्केट में 8 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई करके सुपरस्टार अक्षय कुमार की सरफिरा 7 दिनों के अंदर दुनिया भर के बॉक्स पे 37 करोड़ की कमाई करके लगभग अपना आधा बजट रिकवर कर चुकी है। अगर सिनेमा हॉल में सरफिरा 20-25 या एक मंथ चल जाती है तो
ये फिल्म पक्का अपना 80 करोड़ का बजट निकाल लेगी और मेकर को कम से कम 10 से 15 करोड़ का प्रॉफिट में रुपया मिल जाएगा। हम ये शुभकामना करते हैं सरफिरा बॉक्स पर 100 करोड़ का नंबर क्रॉस करे, लेकिन बॉक्स की प्रोडक्शन के मुताबिक सरफिरा लाइफ टाइम हिंदी बेल्ट में 30 से 40 करोड़ से ऊपर नहीं जा पाएगी और सरफिरा लाइफ टाइम वर्ल्ड बॉक्स पर 60 से 70 करोड़ की कमाई करेगी। आप लोग अपना ओपिनियन कॉमेंट सेक्शन डालिएगा। मैं आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी आपके लिए कुछ खास।